एक्सक्लूसिव दिखा देते हैं, जहां हमारे संवाददाता अमित चौरसिया ने शिक्षा मंत्री से खास बातचीत की है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड 10वीं 12वीं का रिजल्ट आ चुका है और इस बार भी लड़कियों ने बाजी मारी है। कोरोना काल के बाद जिस तरीके से ऑफलाइन परीक्षा हुई थी उसमें के बावजूद यहां पर एक अच्छा रिजल्ट आया। बात करेंगे 10वीं की तो 73% से ऊपर आया, वहीं 12वीं की बात करें 79% से अधिक यहां पर रिजल्ट आया। तो हमारे साथ शिक्षा मंत्री है प्रेमसाय सिंह टेकाम जी, उन्हीं से बात करते हैं किस तरीके का रिजल्ट इस बार रहा है। सर, इस बार कोरोना काल के बाद एक अच्छा रिजल्ट देखने मिल रहा है, बच्चों ने काफी मेहनत की और उसका परिणाम आज आ चुका है। बिल्कुल अच्छा रिजल्ट आया हुआ है और बच्चों ने काफ़ी मेहनत की और ऑफलाइन परीक्षा उन्होंने जिसको आयोजित किया सेंटर पढ़ाए ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। हम लोगों ने अच्छे मेहनत किया, कोरोना काल के बावजूद भी अच्छी पढ़ाई भी की है, मेहनत भी किया, उसका रिजल्ट आज देखने को मिल रहा है। जैसा कि इस बार 30% सिलेबस कटौती करके, पाठ्यक्रम में कटौती करके सारी परीक्षाएँ ली गई थी, तो क्या आप आने वाले हैं, क्योंकि अभी भी कोरोना हमारे बीच से गया नहीं है, तो ऐसे में क्या इस बार भी सिलेबस में कटौती होगी? नहीं, उस बारे में अभी कोई विचार तो अभी नहीं किए हैं, ऐसी परिस्थिति बनेगी उसमें हम करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने इस बार मेधावी और अच्छे बच्चों के, होनहार बच्चों के लिए एक हेलीकॉप्टर की घोषणा की है, क्या कहेंगे, क्या होगा? माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा किया है और उसका पालन किया जाएगा। अभी तो हम लोगों ने तो जब दौरे में गए थे तो वहाँ तो घुमाई दिए थे, जिसका काफ़ी सोशल मीडिया काफ़ी उसमें आया था, बच्चे बच्चे हम लोग घूमेंगे, हम लोग हर बैठे तो जो उन्हें कहा कि जो मेरिट में आएंगे उनको हम लोग हेलीकॉप्टर में घुमाएंगे, जो उनसे घुसाएं तो उनका पालन करेंगे। शिक्षा को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार काफ़ी संवेदनशील होती है, जिस तरीके से नवाचारों के माध्यम से यहाँ पर शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाया जा रहा है, तो आने वाले समय में क्या नया चीज़? लेकिन नवाचार हमेशा परिस्थिति ऊपर निर्भर रहती है। जैसे कोरोना काल आया जब सारी स्कूल बंद हो गए, फिर कोई शिकायत नहीं हुई, तो नवाचार हम लोग ने शुरुआत किया, पढ़ाई तुम्हारा ऑनलाइन क्लासेस, कई छतरी वाले गुरु जी, कई टी वी वाले गुरु जी, तो परिस्थितियाँ किस प्रकार की जो बनती है उसमें नवाचार आवश्यक है। उस नवाचार की यदि हम लोगों ने कोरोना काल में भी बच्चों की पढ़ाई को जारी रखा। ये थे स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम, जिन्होंने बताया कि नवाचारों के माध्यम से निश्चित ही गुणवत्ता शिक्षा की बढ़ाती जाएगी। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोषणा की है कि हेलीकॉप्टर के माध्यम से मेधावी छात्रों को उड़ान भराई जाए, तो वो घोषणा भी जल्दी पूरी होगी। कैमरामैन अभिषेक डक्सेना, अमित चौरसिया, इंडिया न्यूज, रायपुर। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।